जय श्री केदार। आज है मेरा सेकेंड डे, तो अभी मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से जाना है मुझे तुलसी चौक, अपने ग्रुप के साथ निकलना है। जय श्री केदार। अभी मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास में, यहीं पे मेरा स्टे था। और मैं अभी, आज दूसरा दिन है, तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सोनप्रयाग के लिए। मेरा ग्रुप जो है वो उत्तराखंड ब्यूटी करके चैनल है, उनके साथ मैं जा रहा हूँ, सचिन भाई के साथ। और वो हैं अभी तुलसी चौक पे, और लगभग हम लोग ग्रुप में 20 मेंबर हैं। तो अभी वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। और ऐसे रात को एक मीटअप हुआ था, मैं उसका ब्लॉग तो नहीं ले पाया वीडियो, बट इस टाइम सुबह मैं आपको दिखाता हूँ हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं। और चलिए, आज से होगा ये जर्नी शुरू, और आपको हमेशा। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं, और यहाँ से हम अब टेम्पो में बैठते हैं, आपको दिखाया जैसा नज़ारा। अभी हम तुलसी चौक पे हैं हरिद्वार में, और यहाँ से हमारे टेम्पो ट्रेवलर यहाँ से निकलने वाले हैं। और यहाँ पे हम अभी जितने सारे ग्रुप मेंबर हैं सब अपना लैगेज ऊपर रख रहे हैं। और ये रहा तुलसी चौक का नज़ारा, और यहाँ से हम निकलने वाले डे फर्स्ट सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में आपको मिलते हैं, और आपको बीच का जर्नी दिखाते रहूँगा। तुलसी चौक पे हमारे पूरे ग्रुप मेंबर रहते हैं, और यहाँ पे होता है गाड़ी का पूजा, और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। पूरा ग्रुप मेंबर का ये रहा फ़ोटो, और साथ में यहाँ पे मेरे जो ग्रुप मेंबर के जो मेन लीडर हैं वो हैं सचिन भाई, जिनका चैनल का भी नाम है उत्तराखंड ब्यूटी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये पूरा ग्रुप है, अभी हम लोग लगभग 20 मेंबर हैं, और यहाँ से हम निकलने वाले हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए। और भोलेनाथ को देख के हर हर भोले बोल के, और हम यहाँ से निकलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अभी हम बीच में एक जगह रुके हैं जिसका नाम है कुड़िया, और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि अब लंच तो करेंगे नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है 10:30 बज गए। और यहाँ पे हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे सोनप्रयाग। तो अभी यहाँ से पहले निकलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे सामने पहाड़ है, और बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, अभी हम जिस जगह पे रुके हैं उसका नाम है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके बनता है गंगा। और यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लगता है, एक सॉन्ग का याद आता है, हर हर गंगा। और मेरे ग्रुप मेंबर का मानना ये है कि अभी वहाँ से हमें निकलना होगा, क्योंकि नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आज है 8 तारीख, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाएगा सोनप्रयाग में। तो जितना जल्दी हो सके हम सोनप्रयाग पहुँचेंगे, उतना जल्दी हम गौरीकुंड पहुँच के स्टे करेंगे, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो हम आते टाइम इसका दर्शन करेंगे देवप्रयाग का, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से देखने को मिल रहा था। आपको भी ये कलर देखने को मिल रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी का पानी का कलर कैसा है, तो ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है, तो आ सकते हो। यहाँ से फिर हम निकल जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये वादियों को देखते हुए, अब बीच में एकदम नीला पानी ऐसा है, पूरा वादियों एकदम अलग था, और ऐसा लग रहा था बहुत सुकून है यहाँ पे। तो अगर आप कभी भी आओ तो रोड ट्रिप ज़रूर करना। तो अभी हम रुद्रप्रयाग से थोड़ी सी दूरी पे हैं, और यहाँ पे बारिश ऐसा पूरा मौसम हो गया, बारिश हो रहा है। तो अभी हमारे जो टेम्पो ट्रेवलर उसको कवर किया जा रहा है, और देख ही रहे बारिश पूरा हो रहा है, अब मज़ा आ जाएगा। अभी चलते हैं, तो ऐसा बारिश हो रहा है तो वहाँ केदारनाथ में स्नोफॉल होगा, और यही चीज़ का ध्यान रखते हुए जाना है, और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी लगभग हमें 3 घंटे यहाँ से लगेंगे जाने में, तो जल्दी से कवर करते हैं और चलते हैं आगे की जर्नी। कैसे हो? जब हम पहली बारिश को यहाँ फेस किए, और उसके बाद हम पहुँचे गुप्तकाशी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका है, गाड़ी पूरा जाम लग चुका है। और अगर आपको हेली सर्विस चाहिए तो आपको गुप्तकाशी से ही मिल जाता है केदारनाथ दर्शन करने के लिए। उसका प्राइस होता है 7,000, जिसमें आपको अप एंड डाउन दोनों का होता है, और बहुत सारे फैसिलिटी भी आपको मिलता है। तो आप जाके दर्शन कर सकते हो अपने हेलीकॉप्टर से। और यहाँ पे बारिश ऐसा पूरा मौसम हो चुका है, तो यहाँ पे हम अपना लगेज सब पैक करते हैं, क्योंकि पूरा बारिश हो चुका है। और यहाँ से हमारी टैक्सी लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस होने वाला 50 रुपीज़ पर पर्सन। और अभी हम पहले लगेज उतारते ऊपर से, और हमारे बैग में है टूरिस्ट
कार, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ टेम्पो ट्रेवलर। और बहुत सुहाना मौसम है, बारिश हो रहा है और कल से यात्रा शुरू होगा। आज डे फर्स्ट था, कल डे सेकेंड से मेरा यात्रा शुरू होगा पैदल यात्रा। तो आप सब बने रहें, ऐसे ही सपोर्ट करें। और अभी चलते हैं गौरी कुंड, वहाँ पर भी दिखाता हूँ। और टाइम से पहले पहुँच गए तो वहाँ भी कुछ अलग ही नज़ारा होगा। सामने में अपना टेम्पो ट्रेवलर है और यहाँ से हमारा लगेज उतर रहा है। और इसके बाद ठीक है, ये सचिन भाई है। और इसके बाद अभी देखते हैं, आप आते हो यहाँ पे तो सोनप्राग में भी स्टे ले सकते हो, बट मेरा स्टे है गौरी कुंड में। तो मैं गौरी कुंड जा रहा हूँ अभी, क्योंकि अर्ली इन मॉर्निंग कल है 9 तारीख, तो वहाँ से बाबा केदार की पालकी के साथ मैं जाऊँगा। इसलिए अर्ली मॉर्निंग वहाँ से चलना होगा, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ से टैक्सी में लाइन में खड़ा होना पड़ता, बहुत भीड़ हो जाता है। अभी भी बहुत ज़्यादा क्राउड है और अभी चलते हैं। यहाँ से हमारे ग्रुप निकल चुके हैं टैक्सी लेने के लिए गौरी कुंड के लिए। और ये है यहाँ पे टैक्सी स्टैंड, जो आपका जितना भी प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं वो यहीं पर आके स्टैंड है, तो यहीं पर लगते हैं। बाकी आपको यहाँ से जो यहाँ के टैक्सी है वही जाते हैं, जस्ट बोलेरो हो गए। तो अभी चलते हैं, लाइन में लगते हैं और यहीं पे हमारा चार धाम की यात्रा पास जो होती है वो चेक होते हैं। गौरी कुंड जाने के लिए आपको सोनप्रयाग का ये रास्ता आपको तय करना पड़ेगा, जो 2 किलोमीटर होता है लगभग। और यहाँ से आपको ये ब्रिज पार करना पड़ेगा जो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको लाइन में वेट भी करना पड़ेगा। तो आज है 8 तारीख, तो थोड़ा कम था क्राउड, लेकिन टैक्सी अवेलेबल था यहाँ पे, तो आपको टैक्सी इजीली मिल जाता है, जिसका प्राइस 50 रुपीज़ होता है। और बाकी का डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन बाकी का क्या है वो कल का सीन में बताऊँगा। ऊपर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था और हम पहुँचने वाले हैं गौरी कुंड। तो अंधेरा होने लगा था, लगभग 6:30 हो गया था और बारिश भी हो रहा था। तो हम पहुंच गए फाइनली गौरी कुंड, और हमारा स्टे एक होम स्टे में था। तो हम चलते हैं अपने रूम में, और बाकी कल का क्या वो कल बताऊंगा।